the block lit up toxic. Bitten logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm a high. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। जैसे कि आप मेरे ऑल अराउंड देखेंगे तो मैं ऐसे गार्डन के अंदर खड़ा हुआ हूँ, रूम रेसिंग सर्किट में। और आज का जो व्लॉग है बेसिकली वो व्लॉग, हमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो सोचा एक व्लॉग बनाते हैं। चूँकि ट्रैक भी है, गाड़ी भी है, तो सोचा बहुत लोग मुझे डीएम करते हैं कि पीओवी ड्रिफ्ट देखना चाहते हैं, पीओवी सीन्स देखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज का जो व्लॉग है वो टोटल बेस करेगा पीओवी ड्रिफ्ट और कुछ ड्रोन शॉट्स पे। पीओवी ड्रिफ्ट बेसिकली दिखाने का मकसद ये है कि उससे, जैसे कि ऑब्वियसली आप देखेंगे कि किस तरह मैं इनिशिएट करता हूँ, किस तरह कहाँ कहाँ मैं हाइड्रोलिक ब्रेक को यूज़ करता हूँ, किधर मैं गाड़ी को थ्रो करता हूँ, किधर मैं क्लच किक यूज़ करता हूँ, किधर मैं किस तरह से किस तरह से मैं रिस्पॉन्स गाड़ी के साथ किस तरह अकॉर्डिंगली मैं मैनेज कर रहा होता हूँ। सो ये जो व्लॉग है ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, इसको एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन पे क्लिक करें बिकॉज बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता। सो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब जब मुझे मौका मिलेगा ट्रैक पे वीडियो बनाने का मैं ज़रूर बनाऊंगा। और आगे के, अब गाड़ी ज़्यादा बातें नहीं करते, गाड़ी में चलते हैं और गाड़ी के पीओवी शॉट्स आपको दिखाता हूँ और ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ और जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कैसे मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, कैसे मैं हाइड्रोलिक ब्रेक को यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैं क्लच किक कर रहा हूँ। सो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगी।
आई होप गाइज आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा आज का जो ब्लॉग है पीओवी ड्रिफ्ट से रिलेटेड, और जो ड्रोन शॉट्स आपने देखे क्रेजी शॉट हैं और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनके लिए यार, और थैंक्स गोज टू फेडी। हमने कोशिश की है क्लिपिंग जोन्स को हिट करें और अपने एंगल को अपनी लाइन को अच्छा बेहतर कर सकें। मौका मिला था तो थोड़ा सा दो तीन प्रैक्टिस रन लिए, ज़्यादा नहीं ले सका। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा ये सीन हुआ कि फ्रंट के जो मेरे स्लिक्स हैं निटो NT01 वो बिल्कुल ख़त्म थे, बिल्कुल गंजे थे, इवन कि उसमें से सिल्वर की तारें भी निकल आईं। और मेरी कोशिश तो ये थी कि अभी भी मैं कुछ और रन्स लूँ, लेकिन मैं ले नहीं पाया। और दूसरा मेरा ये वाला बाजू लेफ्ट वाला जहाँ से मैं हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ करता हूँ, इसका मसल भी पुल हो गया। सो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी इस बाजू में, तो मैं ज़्यादा रन्स नहीं ले सका। लेकिन आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई मुझे DM करें इंस्टाग्राम पे या कमेंट कर दें। फर्दर इस तरह के और व्लॉग्स लाऊंगा इंशाल्लाह सून, और LS3 का स्वैप भी स्टार्ट करेंगे। तो आप स्टे ट्यून विद माय व्लॉग्स एंड आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू।